राम राम किसान भाइयों। भाई आज की वीडियो 3600-2 के कंपेयर वीडियो है। दो ट्रैक्टर हैं अपने पास, एक ऑलराउंडर और एक प्लस डैश टू, मतलब सुपर के नाम से आता है। सुपर की बैजिंग मिल जाती है इसमें फ्रंट पे ही, यहाँ पे इसमें सुपर की बैजिंग मिलती है। और देखो HP दोनों ट्रैक्टरों की सेम है भाई, दोनों ट्रैक्टर 50 HP कैटेगरी में आते हैं। कंपनी दोनों पर बैजिंग भी करके देती है 50 HP का। भाई दोनों में पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा दोनों में क्या क्या अंतर मिलता है, कंपनी क्या क्या अंतर देती है, क्योंकि देखो टायर साइज़ दोनों ट्रैक्टरों में सेम मिलता है, थोड़ा सा मुझे हाइट में भी अंतर लग रहा है। और जो ट्रैक्टर डिज़ाइन करा गया है मरघाट वरघाट गेयर बॉक्स सब कुछ अलग है। तो भाई शुरू करते हैं ऑलराउंडर से। ऑलराउंडर ट्रैक्टर में आपको भाई जो पहले से आता था ट्रैक्टर वही है सेम, यहाँ पर बस एक चीज़ करी है, क्रोम में ऑलराउंडर की बैजिंग आने लगी, पहले एक क्रोम में नहीं मिलता था। और ट्रैक्टर इनलाइन पंप के साथ साथ मिलता है ये वाला ट्रैक्टर, पहले जो था ये रोटरी पंप के साथ मिलता था, बट अब ये इनलाइन के नाम से आया है, इनलाइन पंप के नाम से। और जो इनलाइन पंप होगा उसमें यहाँ पर प्लस की बैजिंग होगी ऑलराउंडर के साथ, और जो रोटरी पंप आता है उसमें यहाँ बैजिंग नहीं होती है। दूसरा गेयर बॉक्स सेम मिलेगा, अब गेयर बॉक्स जो पहले वाला था वो सेम है, 12+3 का UG गेयर बॉक्स आता है इसमें। और भाई जो अपना सुपर है उसका प्लेटफॉर्म दिखा दूँ, देखो प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक्सल सीरीज में आता है, पीछे की जो मतलब एक्सल सीरीज बोल सकते हैं पिछला वाला हिस्सा एक्सल सीरीज का। तो इसमें क्या है, आपको गेयर बॉक्स चेंज मिलेगा, 16+4 का गेयर बॉक्स मिलता है, कंपनी ने अभी डिज़ाइन कराया है गेयर बॉक्स। और जो इसके प्लेटफॉर्म है ना वो थोड़ा इस वाले ट्रैक्टर से अलग मिलता है, देखो उसमें बम्प ज़्यादा मिलेगा, इसमें आपको बम्प इतना नहीं मिलता बीच में। और इसके मरघा वो जो है ना भाई फुटरेस्ट वो भी थोड़े हाइट में ज़्यादा मिलते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस ट्रैक्टर में, देखो यहाँ पे आपको प्लस की वेजिंग मिलेगी, और जो ऑलराउंडर है इसमें इसमें ऑलराउंडर प्लस की वेजिंग मिलती है। बाकी ट्रैक्टर में जहाँ पर उसमें ऑलराउंडर लिखा हुआ होता है इसमें यहाँ पर सुपर लिखा हुआ होता है, वहाँ पर ना लिख के, बस इतना अंतर तो होता है डिज़ाइन में। एक चीज़ और मेजर अंतर जो है भाई वो है मरघाट का, देखो ट्रैक्टर में जो है डिलक्स टाइप मरघाट मिलेंगे आपको, इसमें जो है सिंपल जो ट्रैक्टर में आते हैं वो टाइप के मरघाट हैं। दूसरा मैं वैग व्यू दिखाता हूँ दोनों ट्रैक्टरों का, वैग में क्या क्या अंतर है दोनों में। देखो आपको वैग व्यू कुछ इस तरीके का है, ये अपना जो न्यू हॉलैंड का ट्रेडमार्क है भाई, होजिंग वाले एक्सल में मिलता है, पिछले हिस्से में मिलता है, इसमें होजिंग है जैसे कि एस्कॉर्ट में आते थे, सेम वही है पहले वाला, बाकी ट्रैक्टर में कोई अंतर नहीं है। और देखो दोनों साइड, और लिफ्ट कैपेसिटी भी भाई वही है, 2000 kg आती है मेरे ख्याल से इसमें, बाकी पूरा ट्रैक्टर हुआ हुआ है। और जो ये वाला ट्रैक्टर है इसमें आपको एक चीज़ का अंतर मिलता है, इसमें जो है प्लेटनरी ड्राइव मिलता है पिछला वाला हिस्सा, और 16+4 के गेयरबॉक्स के साथ मिलता है ये वाला ट्रैक्टर, बाकी सब कुछ सेम है। जो हाइड्रोलिक उसमें यूज़ करती है न्यू हॉलैंड वही इसी में यूज़ करती है। एक चीज़ का और अंतर है, जो ये भाई पट्टी की जो वो है लेंथ, ये ऑलराउंडर के कंपेयर में कम है, ऑलराउंडर में अलग मिलती हैं इसमें अलग मिलती हैं बिल्कुल, तो ये चीज़ मुझे इसमें थोड़ी डिफरेंट लगती है। एक चीज़ जो भाई अलग है इस ट्रैक्टर में वो है भाई इसकी PTO, ऐसा मान लो आप PTO तो बिल्कुल भाई डिफरेंट है इसमें, इसमें 7 तरीके की PTO मिलती हैं, एक्स्ट्रा एप्ट्रा PTO 7, ठीक है वो कैसे कैसे है मैं बताता हूँ आपको। ये गेयर PTO मिलती है, ठीक है ये 540 इकोनॉमी मिलती है, मतलब इसके चक्कर 1600 पे होंगे, और ये 540 मिलती है पावर वाली, इसके चक्कर 2000 के करीब होंगे। इस तरीके की इसमें PTO मिलती हैं, उसमें बिल्कुल अपनी नॉर्मल PTO मिलती है जो भाई न्यू हॉलैंड में ऑलरेडी आती है। देखो आपको इसमें सिर्फ गेयर PTO मिलेगी, PTO स्पीड, बाकी इसमें कुछ नहीं है, रिवर्स PTO, सॉरी रिवर्स और डायरेक्ट PTO मिलती है इसमें, उसमें 7 तरीके की PTO मिलती है। बाकी ट्रैक्टर पीछे से भी सेम से ही है, बस थोड़ी सी जो अपना वाला ये सुपर है इसकी हाइट थोड़ी सी अप मिलेगी, बाकी ट्रैक्टर ओवरऑल भाई सेम से हैं। दूसरा मैं बैठ के एक बार फीलिंग दिखाता हूँ दोनों पर कैसी कैसी आती है। देखो भाई बैठने के बाद ये सीटिंग पोजीशन इसकी बिल्कुल स्मूथ है, बाकी में गया ये एक्स्ट्रा लीवर दिया हुआ है 16+4, मतलब कि लो हाई प्लस आप इसे लगा दोगे गियर को तो उतनी स्पीड, मतलब समझ लो T20 गियर बॉक्स जिस तरीके से न्यू हॉलैंड फार्म ट्रैक में काम करता है
सेम गेयर बॉक्स मिलेगा भाई आपको। और इधर वाला 12+4 का ही गेयर बॉक्स है, मतलब बहुत स्मूथ वर्क करता है आराम से भाई, गाड़ी वाली फीलिंग आ रही। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा दी है होजरी वाल के लिए, जैसे आपने ट्रॉली या कुछ मतलब उस तरीके का प्रेशर की हैरो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ऊपर दिया है, पहले नीचे रहता था यहाँ पर तो वो हाथ को जो है भाई प्रॉब्लम करता था। इसमें क्या है आपको बिल्कुल यहाँ फ्री सा मिल रहा, जबकि जैसे हमारा 36-30 है भाई उसमें जो ना मतलब यहाँ आ गए दिक्कत होने लगती है ट्रैक्टर में। देखो अभी दिखाऊंगा मैं उस वाले ट्रैक्टर पर बैठ के, देखो भाई अब दिखाता हूँ मैं आपको ऑलराउंडर पर बैठ के किस तरीके का व्यू आता है ऑलराउंडर पर। देखो सबसे पहली बात ऑलराउंडर का ये पूरा सिस्टम भी चेंज है, उसका थोड़ा सा बड़ा है तो भाई बैठने में उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है भाई, सीटिंग पोजीशन तो दोनों की पूरी चेंज है। इस पर बैठने के बाद काफ़ी ऊंचा सा लग रहा, और गेयर बॉक्स इसके वही हैं जो एक न्यू होलैंड ऑलरेडी देता है। देखो भाई जो मैं बता रहा था होजरी वाल वाला ये, अब जैसा आप यहाँ पे चलाओगे ना तो ये थोड़ा सा हाथ में टच होता है इस तरीके से, उसमें ये चीज़ नहीं है जो अपना सुपर है 7 PTO वाला। और ये लो हाई मीडियम में मिलता है इस ट्रैक्टर के साथ। एक और चीज़ है ये आपको भाई हाई स्पीड मिलेगा, यहाँ पर हाई स्पीड की बैजिंग भी देती है कंपनी। और इस ट्रैक्टर के जो 2000 PTO RPM में 540 वो भाई 1800 भाई अपने पूरे 540 चक्कर निकाल देता है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट PTO मिलेगी आपको, और इसमें जो है रिवर्स PTO मिलती है, उसमें 7 तरीके की PTO कंपनी देती है। सो भाई और इंजन तो दोनों में सेम ही मिलता है 2900 CC का, और टॉर्क वर्क सब सेम प्रदान करते हैं क्योंकि इनलाइन पंप के साथ हैं दोनों ट्रैक्टर। तो भाई अगर दोनों ट्रैक्टर होगी लुक वाइज भी देख लो दोनों ट्रैक्टर कैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा ये मस्कुलर सा लग रहा खड़ा हुआ, मतलब ऊंचा भी लग रहा और वैसे भी तगड़ा सा लग रहा, ये थोड़ा डाउन डाउन सा लग रहा बैठने के बाद, ये ऊँचा लग रहा भाई पता नहीं क्या बात। तो भाई अगर दोनों की कंपेयर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।